डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए IEC और IET का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपका सब्जेक्ट IEC है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपका सब्जेक्ट IET है। इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको चैप्टर्स के नाम बताए थे, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। हालांकि चैप्टर नंबर 1 जो है ये काफ़ी लंबा है, तो इसमें अनेक लेक्चर्स बनेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आप IEC के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अपने चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू SCR लिखिएगा। अगर आप IET के स्टूडेंट हैं तो आप लोग चैप्टर का नाम थायरिस्टर फैमिली लिखिएगा। ठीक है, तो आइए ये चैप्टर शुरू करते हैं। नोट्स आपको साथ साथ में बनाना है। हाँ, ये है कि जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके 24 घंटे बाद मैं आपको इसका बना बनाया नोट्स का PDF दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप नोट्स साथ साथ में बना लीजिए। देखो, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स का बात अलग होता है, PDF कुछ भी है तो मोबाइल में ही तो रहेगा, तो एग्जाम वगैरह में मोबाइल से ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो इसलिए आप इसको कॉपी पर लिख जरूर लीजिएगा जो मैं कहूंगा। पहले मैं समझा दूंगा, फिर मैं जो कहूंगा जैसे कहूंगा वैसे लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 1, और उसके बाद आप लोग जो भी हेडिंग में जैसे बता रहा हूं वैसे लिखते चलिएगा, लेकिन पहले समझ लीजिएगा, बाद में उसको लिखिएगा पाज करके। ठीक, पहला आपका हेडिंग है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग सेमीकंडक्टर, ये नाम जरूर आप लोग सुने होंगे, ये सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? अर्धचालक। तो देखिए, अर्धचालक पदार्थ जो है, जैसे आप लोग सुने होंगे चालक होता है, कुचालक होता है, अर्धचालक होता है, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, ये सब नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है, ये आप सुने होंगे कि वे पदार्थ जो नॉर्मली कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, नॉर्मली जो ये होते हैं ये कुचालक की तरह बिहेव करते हैं, यानी इंसुलेटर की तरह, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, चालक बन जाते हैं। किस परिस्थिति में बन जाते हैं? तो जैसे मान लो कि इसमें हमने कोई चीज़ मिला दिया, जैसे मान लो हमने इसमें डोपिंग कर दिया, डोपिंग। ठीक है, अगर हमने इसमें किसी बाहरी पदार्थ का मिलावट कर दिया तो ये बहुत अच्छा चालक बन जाते हैं। ठीक, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? तो इनका एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब इनका एग्जाम्पल है। हालांकि सिलिकॉन ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, इन सब पदार्थों के मदद से, मतलब सेमीकंडक्टर के मदद से जो डिवाइसेज बनाई जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। ये पदार्थ है, इनके मदद से जो डिवाइस बनता है उसे हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं। जैसे एक डिवाइस है डायोड, ठीक है, या एक डिवाइस है ट्रांजिस्टर, ये सब डिवाइसेज इसी सेमीकंडक्टर की मदद से बनाई जाती हैं, जनरली सिलिकॉन की मदद से बनाई जाती हैं। तो ये सब डिवाइसेज जो हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं। इनका अध्ययन हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, जो आप लोग दूसरे सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, उसमें हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं लिखा है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेमीकंडक्टर के आगे पावर लगा दिया, तो सीधी सी बात है, देखो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब जो डिवाइसेज प्रयोग की जाती हैं, जिनको हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेज केवल कहते हैं, इनका वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग या पावर रेटिंग जो होता है ना, बहुत कम होता है। इनका पावर रेटिंग मिली वाट में होता है, सोचिए कितना कम है। तो इनका पावर रेटिंग, मतलब जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, इन सबका पावर रेटिंग बहुत कम होता है, मिली वाट में होता है। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग ऐसे सर्किट्स, छोटे छोटे सर्किट्स को कंट्रोल करने में करते हैं, जिसमें हालांकि काम बहुत बड़े बड़े भी करते हैं। जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे पावर रेटिंग तो बहुत कम है, हर चीज़ मिली वाट, माइक्रो वोल्ट, मिली एम्पियर, इन्हीं सब में होता है। ठीक है, उसमें जो करंट वगैरह का फ्लो होता है, लेकिन काम कितना बड़ा करता है तो उस पर मत जाइए। ठीक है, डिवाइस भले छोटी हो, वोल्टेज रेटिंग या करंट रेटिंग भले कम हो, काम वो बहुत बड़ा बड़ा कर सकता है। लेकिन डिफिनीशन यही होता है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, उनका पावर रेटिंग बहुत कम होता है, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग बहुत कम होता है। अच्छा, इसके आगे अगर पावर शब्द लगा दिया गया तो इनका परिभाषा हो जाएगा कि वे डिवाइसेज जिनका वोल्टेज व करंट रेटिंग बहुत हाई हो, उन्हें हम पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज कहते हैं। ठीक है, मतलब इनका प्रयोग हम लोग है, ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है एक तरह का। ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग हम लोग हाई वोल्टेज, हाई करंट, ऐसे चीजों में करते हैं। मतलब अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीज, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द आपके आप लोग सुनते होंगे, तुरंत आपके दिमाग में आता होगा कि अच्छा ये तो यहाँ लो वोल्टेज लो करंट की बात हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, एक ऐसा भी इलेक्ट्रॉनिक्स है जहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट को कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रॉनिक्स की युक्तियाँ करती हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग कहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स,
या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही आपके सब्जेक्ट का नाम है। इसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ना आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या ठीक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एज कंट्रोल कहिए या ट्रांसड्यूसर कहिए, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का, बीटेक वगैरह में इसी को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से पढ़ाया जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम बहुत फेमस है, इसी सब्जेक्ट का एक और नाम है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि जो आप लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेज पढ़े हैं वो आप लोग रियलिटी में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन जो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है इसका अध्ययन हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग बहुत हाई हो जाता है। डिवाइसेज यहाँ भी छोटी छोटी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बहुत छोटे होते हैं, जो ये सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह से बनते हैं छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर उसका अध्ययन आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे तो उनका जो वोल्टेज रेटिंग होगा करंट रेटिंग होगा वो हजारों वोल्ट हजारों एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे जो पावर रेटिंग होगा वो मिली वाट में नहीं बल्कि मेगा वाट में होगा, समझे ना। तो सोचिए इतने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेज और इतना हाई उनका उनका रेटिंग होगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। और जिस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो आपको मुझे पूरा उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज और बताऊं, ये जो सब्जेक्ट है ना इसको पढ़ने के लिए मतलब पहले से आपको थोड़ा बहुत एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखो ये जो पहला चैप्टर है ना, ये मतलब ये जो पहला लेक्चर है, चैप्टर तो खैर बहुत बड़ा है लेकिन जो पहला लेक्चर है इसमें आपको पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं डिटेल में कोई भी टॉपिक शुरू करूँगा, जैसे मान लो कि मैं पावर डायोड पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट में ही डायोड जो होता है जैसे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर ये सब चीज़ें आपको शॉर्टकट में बता दूंगा, ताकि जो बच्चे पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़ पाए थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब दूसरे सेमेस्टर में, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार कोचिंग कर रहे होंगे, या आपको याद होगा कि उस सेमेस्टर में लॉकडाउन भी लगा था, हालांकि ये सब चीज़ मैं पढ़ा दिया था डायोड वगैरह ट्रांजिस्टर वगैरह, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे या कुछ पढ़ के भूल गए होंगे उनके लिए मैं इसको रिपीट कर दूंगा, तो आप अभी रिलैक्स रहिए, ठीक है। लेकिन अभी इस लेक्चर में नहीं रिपीट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर ये सब पढ़ाने लगूंगा तो अपने टॉपिक से मैं भटक जाऊंगा, ठीक है, इसलिए अभी मैं अपने टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई हेडिंग की शुरुआत करूंगा, जैसे पावर डायोड शुरू करूंगा, तो आपको एकदम बेसिक से डायोड वगैरह पी टाइप एन टाइप से ही शुरू करूंगा, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। हाँ, तो अभी के लिए इतना जानिए कि सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो नॉर्मली कुछ चालक की तरह बिहेव करते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में चालक बन जाते हैं, विशेष परिस्थिति पैदा की जाती है डोपिंग करके, ठीक है। सेमीकंडक्टर का उदाहरण होता है जर्मेनियम सिलिकॉन, इनके मदद से जो बनता है उसको कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, उनका अध्ययन करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। एग्जाम्पल क्या है सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का, डायोड ट्रांजिस्टर। तो ये इतनी बात तो हो गई, लेकिन अब पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज क्या होता है, ठीक है। तो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज वे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं जिनका वोल्टेज और करंट रेटिंग बहुत हाई होता है, मतलब बनता ये भी अर्धचालक पदार्थ से ही है, बनता ये भी सिलिकॉन जर्मेनियम से ही है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग करंट रेटिंग बहुत हाई होता है, मेगावाट में होता है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में इस हेडिंग को डाल के यही लिखिएगा कि वे डिवाइसेज जिनका वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग बहुत हाई, ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, चलो ब्रैकेट में छोड़ दीजिए, जिनका वोल्टेज और करंट रेटिंग बहुत हाई होता है उन्हें पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज कहते हैं, ठीक है। और इस बात को याद रखिएगा कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का अध्ययन हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए अलग सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी को आपके कोर्स में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से दिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, ऐसे आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। दूसरा हेडिंग आपका रहेगा टाइप्स ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार क्या होता है कि बच्चे ना जो बीटीयूपी का सिलेबस होता है उससे मिलाते हैं कि उसमें पहला हेडिंग क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में पहला हेडिंग क्या लिखा हुआ है। तो देखो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, सिलेबस बनाने वाले कुछ भी सिलेबस में पहले आगे पीछे मतलब उनमें जो क्रम है ना बड़ा डिस्टर्ब रहता है। तो जब हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो हम लोग ये देखते हैं कि रियलिटी में बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए, चाहे वो सिलेबस में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। पेपर बनाने वाला आदमी भी याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि वो जानता है कि हाँ इस चैप्टर में ये सब चीज़ें भी एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हैं, तो इतना सोच के नहीं बनाया जाता है कि ये सिलेबस में है और ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको उस तरह से बताऊँगा कि आपको हर एक टॉपिक पहले ये पढ़ना चाहिए फिर ये पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप सिलेबस लगे मिलाने की हाँ ये है वो नहीं है, हाँ जो चीज़ सिलेबस का होगा उसका मैं इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा, ठीक है।
आपका हेडिंग है टाइप्स ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, मतलब पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जो हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। पहला है पावर डायोड, देखो इसमें हर चीज़ के आगे पावर लग जाएगा, उसमें होता है डायोड ट्रांजिस्टर, इसमें हो जाएगा पावर डायोड, दूसरा हो जाएगा पावर ट्रांजिस्टर, और एक तीसरा डिवाइस होता है जिसका नाम है थायरिस्टर। ठीक है, सबसे फेमस डिवाइस यही है थायरिस्टर। ठीक है, इसी के अंदर SCR आता है, देखो इनके तो चैप्टर का नाम ही है थायरिस्टर फैमिली। ठीक है, तो मेनली हमको इस चैप्टर में ना जो पहला चैप्टर जो है इसमें थायरिस्टर के बारे में ही पढ़ना है, और इसमें भी थायरिस्टर में भी सबसे फेमस SCR एक नाम का डिवाइस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिवाइस है वो है पावर डायोड, दूसरा डिवाइस है पावर ट्रांजिस्टर, और तीसरा डिवाइस है थायरिस्टर। तो पावर डायोड किसे कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। तो देखो पावर डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो अनकंट्रोल्ड ऑन और अनकंट्रोल्ड ऑफ होता है। मतलब आप इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसको आप लिखेंगे कि पावर डायोड एक अनकंट्रोल्ड ऑन अनकंट्रोल्ड ऑफ, ठीक है, या ऐसे आप लिख लगा के भी लिख सकते हैं, डिवाइस होता है। इसका मतलब क्या समझ लीजिए, अनकंट्रोल्ड ऑन ऑफ का मतलब क्या हुआ, तो देखो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो पावर डायोड है ये इसको आप ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये सीधे सप्लाई के हिसाब से ऑन ऑफ होगा। जैसे मान लीजिए कि ये सप्लाई है, ये AC सप्लाई है, ठीक, तो आपको पता है कि जैसे डायोड को जब सप्लाई दी जाती है तो जब ये पॉजिटिव वाला साइकिल आता है तो डायोड ऑन हो जाता है, और जब निगेटिव वाला साइकिल आता है तो डायोड ऑफ हो जाता है। इतना तो खैर आपको मुझे उम्मीद है कि पता होगा, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का बस लेना है, आपका नेक्स्ट लेक्चर में यही हेडिंग से शुरू होगा पावर डायोड, तो वहाँ पे मैं डिटेल में आपको ये सब फंक्शन बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मान के चल रहा हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, नहीं है तो फिर आप ऐसे ही सुन लीजिए कि हाँ ऐसा होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा एक दो लेक्चर जब देख लेंगे। तो देखो पावर डायोड क्या होता है कि इसमें, या सिंपल डायोड ही देखो सिंपल डायोड जो होता है जो आप एनालॉग टाइम में पढ़े हैं वही चीज पावर डायोड भी होता है, बस यहां रेटिंग हाई होती है और कोई अंतर है ही नहीं। ठीक है, तो डायोड आप जानते ही हैं कि AC सप्लाई के इस साइकिल में ऑन होता है, इस साइकिल में ऑफ होता है, तो ये सिग्नल ही उसको ऑन ऑफ करता है, मतलब ये जो इनपुट सप्लाई है ये वाला आएगा तो अपने आप डायोड इतना दूर ऑन रहेगा, ये वाला आएगा तो अपने आप ऑफ हो जाएगा, ये नहीं है कि आप चाहे तो ऑन हो आप चाहे तो ऑफ हो। ठीक है, वो अपने हिसाब से सप्लाई के हिसाब से ऑन ऑफ होता रहेगा, मतलब इसमें ऑन करना भी कंट्रोल में नहीं है, ऑफ करना भी कंट्रोल में नहीं है। आप ये मत अब तर्क दीजिएगा कि सर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो नहीं, मतलब पावर देंगे ही नहीं, वो तर्क की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, पावर दीजिए लेकिन पावर देने के बाद वो आपके हिसाब से ऑन ऑफ नहीं होगा, वो सप्लाई के हिसाब से ऑन ऑफ होगा, पॉजिटिव वाला आएगा तो ऑन हो जाएगा, नेगेटिव वाला आएगा तो ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड ऑन अनकंट्रोल्ड ऑफ। ठीक है, तो पावर डायोड एक ऐसा डिवाइस होता है जो अनकंट्रोल्ड ऑन और अनकंट्रोल्ड ऑफ होता है। ठीक है, इसका यहां पे रेटिंग मैंने लिख दिया है, देखो वोल्टेज रेटिंग पावर डायोड का 5000 वोल्ट तक होता है, सोचिए जो सिंपल डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं उनकी रेटिंग बहुत कम होती है, लेकिन इसका देखो 5000 वोल्ट, मतलब इतना वोल्टेज को ये सह सकता है। हालांकि इसमें भी मार्केट में अलग अलग जैसे 1000, 2000, 3000 उस रेंज वाले मिलते हैं, लेकिन देखो कभी भी रेटिंग में ना हम लोग मैक्सिमम लिखते हैं, मतलब इतने वोल्टेज तक का भी मिल जाता है, 5000 वोल्ट का, 5000 एम्पियर का। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग 5000 वोल्ट, करंट रेटिंग 5000 एम्पियर, रेटिंग का मतलब मैक्सिमम इतना तक वो सहन कर सकता है। ठीक है, और एक स्विचिंग स्पीड होता है, स्विचिंग स्पीड जो है 1 किलोहर्ट्ज़ तक होता है पावर डायोड का, जबकि सिंपल डायोड का इतना नहीं होता है, लेकिन पावर डायोड का 1 किलोहर्ट्ज़। इसको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ स्विचिंग स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्विचिंग स्पीड का मतलब ये हुआ ना कि 1 सेकंड में डायोड कितनी बार ऑन और ऑफ होगा। जैसे आपको पता है ना कि इस इतने दूर डायोड ऑन होता है और इतने दूर डायोड ऑफ होता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार ऑन ऑफ हो जाएगा, तो 1 सेकंड में सोचिए 1 किलोहर्ट्ज़ का मतलब क्या हुआ, 1000 हर्ट्ज़, यानी और हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है, पर सेकंड होता है ना, चक्कर प्रति सेकंड उसको बोलते हैं हर्ट्ज़ का मतलब, यानी 1 सेकंड में पावर डायोड 1000 बार ऑन ऑफ हो सकता है, क्योंकि ये इसका स्विचिंग स्पीड है। ठीक है, इतना हाई होता है इसका स्विचिंग स्पीड। तो ये आपको पावर डायोड समझ में आ गया, आप इसको लिख लीजिएगा, अनकंट्रोल ऑफ डिवाइस होता है, और ये नीचे ऐसे ही लिख दीजिएगा नोट्स में। ठीक है, ये परिभाषा लिख के ऐसे ही लिख दीजिएगा, वोल्टेज रेटिंग इतना, करंट रेटिंग इतना, स्विचिंग स्पीड इतना, और ये सब चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। देखो कंपटीशन वगैरह में रेटिंग वगैरह पूछ देते हैं सब, सेमेस्टर के लिहाज से ये हेडिंग अभी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलो ये हो गया, ये सब चीज़ भी कंपटीशन वगैरह में पूछते हैं सब कि बताओ पावर डायोड जो है वो कौन सा डिवाइस, ऐसे 4 ऑप्शन में आ जाएगा, कौन सा डिवाइस अनकंट्रोल ऑन अनकंट्रोल ऑफ होता है, आपको दे देगा
पावर डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, कोई और डिवाइस डाल देगा, ठीक है, चॉपर या कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये समझ आपका हो गया। अब देखिए, पावर ट्रांजिस्टर आपका दूसरा डिवाइस है, ठीक है। सिंपल ट्रांजिस्टर आप जानते ही हैं एनालॉग टाइप में, कम से कम नाम तो सुने ही होंगे, भले उसका काम वगैरह अच्छे से ना जानते हो लेकिन सुने होंगे, ठीक है। तो सिंपल ट्रांजिस्टर जो होता है वो उसका जो वोल्टेज रेटिंग होता है कम होता है, यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर लग गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग जो है वो हाई होगा, करेंट रेटिंग हाई होगा, स्विचिंग स्पीड हाई होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। हाँ, इसका डिफिनीशन क्या होता है पावर ट्रांजिस्टर का? तो देखो, ट्रांजिस्टर जो है ना वो कोई भी ट्रांजिस्टर हो, देखो पावर लगाना तो केवल वही रेटिंग की वजह से लगा हुआ है, चाहे वो सिंपल वाला ट्रांजिस्टर हो चाहे पावर वाला हो, परिभाषा तो दोनों के लिए सेम ही होता है। तो ये जो पावर ट्रांजिस्टर है ये कंट्रोल्ड ऑन कंट्रोल्ड ऑफ दोनों कंट्रोल्ड होता है, मतलब आप इसमें ऑन भी कर सकते हैं और जब चाहे ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब इसको सिग्नल मिलेगा भी तो भी जब तक आप चाहेंगे नहीं ऑन नहीं होगा और जब तक आप चाहेंगे नहीं ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे आपको पता होगा ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, ठीक है, BJT आप सुने हैं ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है, ठीक। यहाँ पे होता है बेस, यहाँ पे होता है कलेक्टर और यहाँ पे होता है एमीटर, ठीक। एमीटर में हम लोग ऐसे तीर लगा देते हैं, ये इसका सिंबल होता है। और आप सुने होंगे या जानते होंगे कि ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं, सबसे फेमस यही होता है। तो देखो, जब हम लोग कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई सप्लाई जोड़ेंगे, मान लो यहाँ पे हम एक बैटरी ही जोड़ दी ऐसे, ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप सप्लाई जोड़े और ऐसे इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब तक यहाँ पे बेस पे करंट, बहुत छोटा सा करंट यानी इसको हम लोग कह सकते हैं सिग्नल, जब तक हम लोग बेस पे सिग्नल नहीं देंगे तब तक यहाँ कलेक्टर से धारा एमीटर में नहीं जाएगा, मतलब इस सर्किट में धारा फ्लो नहीं होगा, यानी ये सर्किट ऑन नहीं होगा। यानी ट्रांजिस्टर सिर्फ तभी ऑन होता है जब इस वाले पर सिग्नल दिया जाता है, नहीं दिया जाता है तो नहीं ऑन होता है, ठीक है। तो यानी ऑन करेंगे, यहाँ सप्लाई हमने दे दिया लेकिन ऑन जब आप यहाँ पे सिग्नल देंगे तभी होगा। तो कंट्रोल्ड ऑन नहीं हो गया कि जब आप यहाँ से कंट्रोल कर पा रहे हैं, यहाँ से सिग्नल दे रहे हैं तो ऑन हो रहा है, यहाँ से सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो ऑफ हो जा रहा है। तो ये इसका ऑन होना और ऑफ होना दोनों इस सिग्नल पर डिपेंड करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये सिग्नल देगा कौन? तो देखो, आजकल जो ये सब डिवाइसेज प्रयोग हो रहा है ना, जैसे इन्वर्टर हो गया, चॉपर हो गया, वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जिनमें इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और ये सिग्नल भी एक अलग सर्किट होता है जो ये सब सिग्नल देता है, ट्रांजिस्टर को ऑन करवाता है, ऑफ करवाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप खुद सोचिए कि आपके घर में बिजली कटती है, तुरंत इन्वर्टर से चीज़ें चलने लगती हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई सर्किट है उसमें जो अचानक इस स्विच को ऑन कर देता है या ऑफ कर देता है इतना फास्ट तरीके से। तो वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। उसमें भी कोई ना कोई ट्रांजिस्टर लगा होता है जिससे इतना हाई स्पीड स्विच बन जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको बाद में धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। तो ये आपको समझ में आया ना कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, पावर ट्रांजिस्टर, जो कंट्रोल्ड ऑन कंट्रोल्ड ऑफ डिवाइस हो, ठीक है। तो इसका परिभाषा आप क्या लिखेंगे नोट्स में? लिखेंगे कि वे डिवाइसेज जो कंट्रोल्ड ऑन कंट्रोल्ड ऑफ होते हैं उन्हें पावर ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। इनका रेटिंग आप लिख दीजिएगा, वोल्टेज, करंट और स्विचिंग। वोल्टेज रेटिंग इनका थोड़ा रेंज में है, क्योंकि देखो इसमें अलग अलग वेराइटी मिलती है पावर ट्रांजिस्टर में, BJT है, MOSFET है, तो इनका जो है ना रेंज में है। जैसे इनका 1000 वोल्ट से 2500 वोल्ट तक है और करंट रेटिंग 50 एम्पियर से 2000 एम्पियर तक है, मतलब इनका 50 एम्पियर का भी रेटिंग वाला मिलता है और 2000 एम्पियर वाला भी मिलता है। और स्विचिंग स्पीड जो है 25 किलोहर्ट्ज़ से 100 किलोहर्ट्ज़ तक है। देखो इसमें स्विचिंग स्पीड हाई होता है, मतलब ये एक बात आप याद रखिएगा, कंपटीशन में ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं सब कि स्विचिंग स्पीड किसका हाई होता है। तो स्विचिंग स्पीड डायोड की तुलना में, पावर डायोड की तुलना में पावर ट्रांजिस्टर का काफ़ी हाई होता है। खुद देखिए यहाँ पे 1 ही किलोहर्ट्ज़ है, यहाँ पे 100 किलोहर्ट्ज़ वाला भी मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी हाई स्विचिंग स्पीड हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब तीसरा देखिए, थायरिस्टर जो है, इसका सबसे पहले डिफिनीशन आपको क्या लिखना है। तो थायरिस्टर एक कंट्रोल्ड ऑन अनकंट्रोल्ड ऑफ, देखिए इसमें सबसे पहले आप जो डायोड पर है, डायोड में अनकंट्रोल्ड ऑन अनकंट्रोल्ड ऑफ, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं था, ऑन होना ऑफ होना दोनों अनकंट्रोल्ड। ट्रांजिस्टर में क्या था, पावर ट्रांजिस्टर में, कि दोनों कंट्रोल में था, ऑन भी और ऑफ भी, ठीक है। लेकिन थायरिस्टर में क्या होता है, ऑन कंट्रोल में होता है, मतलब ऑन आपके हिसाब से होगा थायरिस्टर लेकिन ऑफ आपके हिसाब से नहीं होगा, ऑफ हो सप्लाई के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको SCR का एग्जांपल देके बता रहा हूँ। थायरिस्टर के अंतर्गत SCR नाम का एक डिवाइस आता है, और भी डिवाइसेज आते हैं लेकिन आप SCR पे ही समझिए। अब देखिए ये SCR का ऐसे सिंबल होता है,
ठीक। SCR का सिंबल ऐसे होता है, यहाँ होता है एनोड, यहाँ होता है कैथोड, यहाँ होता है गेट, ठीक। तो अब SCR में क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए ये AC सप्लाई है, ठीक, तो SCR में ये चीज होता है ना कि जैसे डायोड क्या करता है कि डायोड इस इतने दूर ऑन रहता है और इस इतने दूर नीचे वाले सप्लाई में नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ रहता है, यानी यहाँ पे अपने आप ऑन होगा, यहाँ पे अपने आप ऑफ होगा, कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। SCR में क्या होता है कि जब तक आप ये इतना ये सप्लाई इसको जब मिलेगा, मतलब जब एनोड प्लस होगा और कैथोड माइनस होगा, मतलब एसी सप्लाई जब इसको आप प्रदान करेंगे, मान लो इसको आप ऐसे एसी से जोड़ दिए, ठीक, यहाँ पे आपने एसी सप्लाई से इसको जोड़ दिया, जब आप इसको जोड़ेंगे एसी सप्लाई से तो उस कंडीशन में आपको पता ही है कि एसी सप्लाई क्या करता है, पहले यहाँ प्लस करेगा यहाँ माइनस करेगा, उसी को हम लोग इस ग्राफ से ऐसे दिखाते हैं, और फिर एसी सप्लाई क्या करेगा, इसको प्लस करेगा इसको माइनस कर देगा, इसी को हम लोग इस तरह से ग्राफ से दिखाते हैं। तो जब यहाँ प्लस रहेगा यहाँ माइनस रहेगा, मतलब जब ये वाला साइकिल इसको मिलेगा, तो उस कंडीशन में अगर ये डायोड होता तो ऑन हो जाता, ठीक है। लेकिन ये SCR है, SCR में क्या होता है कि जब तक आप गेट को सिग्नल नहीं देंगे, वही सिग्नल देने का मतलब जब तक यहां से आप थोड़ा छोटा मोटा करंट नहीं फ्लो कराएंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो सोचो ऑन होना भी कंट्रोल में हो गया कि नहीं, मतलब सप्लाई इसके पास है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑन तब तक नहीं हो रहा है जब तक इसके गेट पे सिग्नल नहीं मिल रहा है, सिग्नल मिलेगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल आएगा, मतलब यहां प्लस होगा और यहां माइनस होगा, यानी एनोड माइनस होगा और कैथोड प्लस होगा, तुरंत ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप चाहें भी कि इस समय ऑफ न हो, ठीक है, या आप चाहें कि थोड़ा रुक के ऑफ हो, ये सब आप नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही निगेटिव साइकिल आएगा ये हो जाएगा, चाहे आप गेट पे सिग्नल दें ना दें, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। तो यानी आप होना कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आन होना कंट्रोल में है। आन आप गेट सिग्नल देकर कर सकते हैं, लेकिन आप गेट सिग्नल देकर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल्ड आन अनकंट्रोल्ड आप हो गया कि नहीं, तो यही चीज आपको याद रखना है कि थायरिस्टर जो है ये एक कंट्रोल्ड आन अनकंट्रोल्ड आप डिवाइस होता है। यही आप नोट्स में बस लिख भी दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका रेटिंग यहां पे देख लीजिए, वोल्टेज रेटिंग इसका देखो कितना ज्यादा है। इसलिए सबसे फेमस डिवाइस है ना पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस में यही होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है। वोल्टेज रेटिंग का 7000 वोल्ट है, करंट रेटिंग 5000 एम्पियर है, और स्विचिंग स्पीड बहुत कम भी नहीं है, हालांकि पावर ट्रांजिस्टर की तुलना में कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी कम, उतना कम नहीं है, 1 किलोहर्ट्ज़ तक है। लेकिन जहां पे स्विचिंग स्पीड हमें हाई चाहिए होता है वहां पे हम लोग पावर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, भले उसका रेटिंग थोड़ा सा इसकी तुलना में कम होता है, लेकिन जहां पे रेटिंग भी हाई चाहिए और स्विचिंग स्पीड भी ठीक ठाक चाहिए वहां पे थायरिस्टर का ही प्रयोग होता है। तो आगे धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी कि कहां किसका प्रयोग होता है। तो ये आपको थायरिस्टर इतना समझ में आ गया कि थायरिस्टर जो है एक कंट्रोल ऑन अनकंट्रोल ऑफ डिवाइस होता है, कंट्रोल ऑन अनकंट्रोल ऑफ। थायरिस्टर में ही SCR, थायरिस्टर फैमिली के अंदर ही SCR आता है, और भी डिवाइस आती हैं, लेकिन सबसे फेमस डिवाइस जो है वो SCR ही है। तो मेनली हमको SCR के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला हेडिंग है नेम एंड सिंबल ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते किसे हैं, फिर हमने पढ़ा कि पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर और पावर और थायरिस्टर केवल, ठीक है। थायरिस्टर में पावर शब्द नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो थायरिस्टर ये हाई पावर का होता है, ये तो इसको पावर नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में दोनों तरह का होता है ना, एक लो पावर वाला होता है तो उसको केवल ट्रांजिस्टर कहते हैं और हाई वाले को पावर ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक। तो ये तो इतना हो गया। अब हम लोग तीसरा जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा नेम एंड सिंबल ऑफ पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, ठीक है, यानी विभिन्न शक्ति और चालक युक्तियों पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के नाम व प्रतीक। देखो ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब सिलेबस में ये लिखा भी है और ये चीज आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसका सिंबल, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें भी सबसे ज्यादा थायरिस्टर वाले का आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तो चलो सिंबल देखिए, मैं आपको बना बना के दिखा दे रहा हूँ, एक बार बनते हुए देख लेंगे ना तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर डायोड का सिंबल देखिए, पावर डायोड का सिंबल कैसा होता है, देखिए पावर डायोड का सिंबल ऐसा होता है, एक ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाइएगा और यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक, जिधर ये लकीर है ये जो है इधर 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 रहता है कैथोड, कैथोड को कैपिटल के लिखते हैं, और एनोड इधर होता है, ठीक है। तो यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, ठीक है, इतना आपको पता होगा कि एनोड को प्लस देन दिया जाता है, कैथोड को माइनस दिया जाता है। जब इसको प्लस देंगे इसको माइनस देंगे तो ये डायोड अपने आप ऑन हो जाएगा, इसको प्लस देंगे इसको माइनस देंगे तो ये ऑफ रहेगा। इसमें ये अनकंट्रोल्ड ऑन है, अनकंट्रोल्ड ऑफ है, मतलब जब भी एनोड प्लस होगा कैथोड के सापेक्ष, ठीक है, तुरंत देखो प्लस माइनस का मतलब ये मत समझिएगा कि इसको प्लस इसको माइनस, इसके सापेक्ष। जैसे मान लो कि मैंने इसको दे दिया प्लस 5 वोल्ट,
इसको दे दिया प्लस दो वोल्ट तो भी ये ऑन रहेगा, क्योंकि यहाँ प्लस दो है ये प्लस पाँच है, तो इसके सापेक्ष ये ज़्यादा प्लस है, तो यानी ये हाई पे है ये लो पे है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया किसका, पावर डायोड का। ये सिंबल एकदम सिंपल डायोड जो जो आप लोग एनालॉग टाइप में पढ़े हैं पीएन जंक्शन डायोड, उसी की तरह ये सिंबल होता है इसका भी। और नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तब तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका लेयर कैसे होता है, इसमें पी टाइप पीएन टाइप कौन कहाँ होता है, कैसे इसकी रेटिंग हाई हो जाती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आपको पूरे मतलब इस पूरे सब्जेक्ट में जो डिवाइस आपको पढ़ना है सबका एक ओवरव्यू है यहाँ पे, सबका बस ऊपर ऊपर आपको सबका नाम सिंबल परिचित हो जाना है कि हाँ ये होता है, ठीक है। डिटेल में आप जाएंगे तो सब डिटेल में आपको मिलेगा अब यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, तो ये पावर डायोड का हो गया सिंबल। अब पावर ट्रांजिस्टर देखिए, पावर ट्रांजिस्टर में मैं पहले ही बताया हूँ कि इसमें बहुत सारा और भी मतलब अंदर भी इसके वेराइटी ज़्यादा हैं। जैसे पावर ट्रांजिस्टर में एक है बीजेटी, एक है मॉस्फेट, एक है आईजीबीटी, तीन बहुत फेमस है, और भी दो तीन है लेकिन फेमस ही आप बस पढ़िए, जो बीजेटी है, मॉस्फेट है और आईजीबीटी है। अच्छा, कंपटीशन के लिहाज से इन सबका सिंबल, इन सबका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तीनों का फुल फॉर्म। यही होगा कंपटीशन में, तो फुल फॉर्म मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देखो, बीजेटी का होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कहीं अगर आपको नहीं पता होगा तो कहीं नीचे नोट वोट में लिख लीजिएगा, बीजेटी इज इक्वल टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मॉस्फेट का होता है, सुनो, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और आईजीबीटी का होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये इतना नाम, इसका फुल फॉर्म बहुत कंपटीशन में पूछते हैं सब, तो याद रखिएगा। अब मैं आपको सबका सिंबल बता दे रहा हूँ कि सिंबल कैसे बनेगा। तो देखिए, बीजेटी का सिंबल ऐसे बनता है, हम लोग करते क्या हैं, एक ऐसे रेखा खींचते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ से एक ऐसे थोड़ा सा ऐसे छोड़ के ऐसे करके ऐसे, ठीक, ये बीजेटी का सिंबल होता है इस तरह से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेस, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कलेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे एमीटर, और इसमें ऐसे तीर बना देंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे गोला में करवाते हैं लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे बना दीजिए, इसका सिंबल हो गया। नाम याद रखिएगा, इस टर्मिनल को कहते हैं कलेक्टर, इसको कहते हैं एमीटर, इसको कहते हैं बेस, ये इसका सिंबल है। इसको आप मार्केट से खरीद के लाएंगे तो आपको इस टाइप का ये दिखेगा, ऐसे मतलब दिखेगा इस टाइप का, इसमें से तीन ऐसे निकला रहेगा, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कौन बेस है, कौन एमीटर है, कौन कलेक्टर है, ठीक। तो ये चीज़ होता है, लेकिन सिंबल के रूप में आप कोई सर्किट डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो कहीं भी ऐसा देखिए तो तुरंत समझिए कि ये बीजेटी का सिंबल है। हाँ, एक चीज़ और कि इसमें भी दो होता है, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी, लेकिन पीएनपी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो सिंबल आप बनाएंगे वो एनपीएन का ही बनाएंगे, एनपीएन में तीर बाहर होता है, पीएनपी में तीर अंदर होता है, बस यही डिफरेंस होता है। तो ये सिंबल आप एनपीएन का ही बनाएंगे, पीएनपी का नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाता है ये हेडिंग तो आप यहाँ पे एनपीएन का ही सिंबल बनाएंगे बस। चलते तो हो गया बीजेटी। अब मॉस्फेट देखिए, देखो अभी आप ये क्वेश्चन नहीं आप करेंगे कि मॉस्फेट क्या होता है, मैं पहले कह रहा हूँ डिटेल में मिलेगा अंतर, जब पावर ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो डिटेल इन सबका मिलेगा, ठीक है। हालांकि मॉस्फेट जो है, अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होते, ये लॉकडाउन लग गया था तो मैं पढ़ाया नहीं था, लेकिन वहाँ अगर आप पढ़े होते तो आपको कम से कम हल्का फुल्का आइडिया रहता कि मॉस्फेट क्या होता है। जैसे डायोड में आपको हल्का फुल्का आइडिया है कि डायोड क्या होता है, तो आपको मैं पावर डायोड समझाने में थोड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको नहीं भी पता है सिंपल डायोड पीएन जंक्शन डायोड, तो भी आपको डिटेल में बताऊंगा, शुरुआत में सिंपल वाले से ही करूंगा, तब हाई पे आऊंगा, क्योंकि वो बताना पड़ेगा ही। अब जैसे ये मॉस्फेट है, मुझे पावर मॉस्फेट के बारे में आपको पढ़ाना हो, जैसे यहाँ पे भले मैं यहाँ पावर लिखा नहीं हूँ, यहाँ तो आपको हाई पावर वाला ही पढ़ना है, तो मैं पहले सिंपल वाला बता दूंगा, थोड़ा साठ में बताएंगे लेकिन बताएंगे जरूर, काम भर का जरूर बताएंगे, ठीक है। मॉस्फेट का सिंबल देखिए क्या होता है, मॉस्फेट का सिंबल ऐसे होता है, तीन छोटी छोटी ऐसे रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, बगल में एक बड़ी रेखा ऐसे ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं, और इसमें ऐसे ऊपर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, ऐसे इसको इसमें जोड़ देंगे। सिंबल एकदम बढ़िया तैयार रखिएगा, सिंबल आता है एग्जाम में, ठीक है। और टर्मिनल का नाम देखिए क्या होता है, ऊपर रहेगा ड्रेन, नीचे रहेगा ऊपर रहेगा ऊपर रहता है सोर्स, नीचे रहेगा ड्रेन, और यहाँ पर रहता है गेट, ठीक। और तीर जो है इसमें मॉस्फेट में ये अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा सा, ये ऊपर ड्रेन होता है,
यहाँ ऊपर ड्रेन होता है, नीचे सोर्स होता है और यहाँ गेट होता है, ठीक। तो ड्रेन, सोर्स और गेट, तीर यहाँ बाहर, यहाँ अंदर की ओर रहेगा, जैसे इसमें बाहर है यहाँ अंदर की ओर रहेगा। इसमें भी देखो, अभी आपको मॉस्फेट आप जानते नहीं हैं, इसमें भी एक होता है यन चैनल मॉस्फेट और पी चैनल मॉस्फेट, यन चैनल और पी चैनल, तो इसमें भी फेमस होता है यन चैनल वाला। तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये यन चैनल का बना हुआ है, यन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप का सिंबल बना हुआ है। अब ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा अभी डिटेल में नाम लूंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा जो सबसे फेमस वाला है उसी का सिंबल यहाँ बनेगा, ठीक है। इसमें भी वेरायटी है ना मॉस्फेट में भी, इनहेंसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप, उसमें भी यन चैनल पी चैनल, तो सबसे फेमस होता है यन चैनल इनहेंसमेंट टाइप, ठीक है। उसी का ये सिंबल है, आपको अगर मन करेगा तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि ये यहाँ ब्रैकेट में यन चैनल इनहेंसमेंट टाइप, लेकिन वो सब डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये मॉस्फेट का सिंबल हो गया, ठीक है। अब आईजीबीटी का सिंबल देखिए, आईजीबीटी का कैसे बनेगा, देखिए आईजीबीटी का सिंबल एक ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए ऐसे लाइन खींचना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक, और यहाँ पे ऐसे करना है इस तरह से। यहाँ ऊपर लिखा है कलेक्टर, यहाँ लिखा है एमीटर, तीर यहाँ बाहर रहेगा, लेकिन यहाँ पे बेस नहीं लिखा है इसकी तरह, यहाँ लिखा है गेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आईजीबीटी, इसका आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या है, इंसुलेटेड गेट्स, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर गेट है ना इसमें, ठीक है। तो ये आपको आईजीबीटी का सिंबल हो गया। अब चलिए तीनों सिंबल आपके तैयार हो गए, ठीक है। टेबल ऐसे ही कॉपी पे बनाइएगा, सुनो ये इधर वाले को इसके नीचे, समझ रहे हैं ना, ऐसे अपने कॉपी पे लाइंस इसका सिंबल ऐसे बना लीजिएगा। ये पावर डायोड हो गया, ये पावर ट्रांजिस्टर के अंदर टिंट हो गया, देखो मैंने इसीलिए इसको यहाँ दूसरा नंबर डाल के यहाँ पे रोमन में लिखा हूँ, पहला बीजेटी, दूसरा मॉस्फेट, तीसरा आईजीबीटी। अब तीसरा हो गया थायरिस्टर, अब थायरिस्टर में देखो क्या है, इसमें लगभग 5-6 आएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले एससीआर, एससीआर का सिंबल ऐसा होता है, एससीआर का सिंबल एकदम आप पहले डायोड बनाइए, ठीक, ये हो गया यहाँ एनोड, यहाँ कैथोड, और एक इसमें कहीं भी ऊपर मन करे या नीचे मन करे एक और आप इसमें टर्मिनल लगा देंगे जिसको हम लोग कहेंगे गेट, जी यहाँ लिख देंगे गेट, ठीक है। तो एनोड, कैथोड और गेट, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एकदम डायोड बना के ऐसे कर देंगे, ये एससीआर का सिंबल हो गया। LSCR इसका फुल फॉर्म पहले जान लो, लाइट एक्टिवेटेड SCR। अच्छा SCR का पूरा नाम क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। देखो फुल फॉर्म वगैरह आप नीचे कहीं या यहीं पे मन करे तो लिख लीजिएगा, SCR का क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। LSCR में यहाँ लग जाएगा लाइट एक्टिवेटेड SCR, मतलब लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। ये लाइट से एक्टिवेट होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, डिटेल है आपके कोर्स में। तो ये देखिए इसका सिंबल कैसे होगा कि पहले आप एक SCR बनाइए, एनोड, कैथोड, गेट हो गया, और इस पे ऐसे लाइट का ऐसे लाइट गिरते हुए ऐसे आपको दिखा देना है, ठीक है। तो ये इसका सिंबल हो गया, तीर ऐसे लगा देना है, तो ये LSCR का सिंबल हो गया। आगे देखिए ऐसे GTO, GTO का फुल फॉर्म क्या होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ, एक ही में थायरिस्टर, थायरिस्टर अलग से लिखना पड़ता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इसका सिंबल देखिए कैसा होता है, तो इसका सिंबल बनाने के लिए आपको पहले डायोड जैसा बनाना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया एनोड, कैथोड और गेट भी इसमें बनाना पड़ेगा, है तो थायरिस्टर, तो ये हो गया गेट, और इसमें ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे बस ऐसे कर देंगे, तो ये आपका GTO का सिंबल हो गया, ठीक। तो याद रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कंपटीशन में फुल फॉर्म पूछते हैं सब। डायक, डायक का फुल फॉर्म देखिए, वैसे तो इसका फुल फॉर्म कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो ये मैं बताऊंगा, इसका होता है डायोड अल्टरनेटिंग, लेकिन ये इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस चूंकि ये कुछ ऐसा काम करता है कि इसको डायोड अल्टरनेटिंग कहा जाता है, उसी से ये डायक शब्द आया है, ठीक है। तो लेकिन वो उसका फुल फॉर्म, इसका है फुल फॉर्म, लेकिन इसको फुल फॉर्म शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है। तो डायक का देखिए सिंबल कैसा होता है, वे क्या है वो तो आपको बताऊंगा। तो डायक का सिंबल ऐसा होता है, इसके लिए आपको 2 लाइनें ऐसे खींच के, ठीक, और इस तरह से इसमें ऐसे आपको ट्राइंगल टाइप का इसमें आपको ऐसे बनाना होगा, ठीक, एक तीर यहाँ से और एक तीर यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे आपको लिखना होगा MT1 और यहाँ पे लिखना होगा MT2, ठीक है। इसमें एनोड कैथोड नहीं होता है, एनोड कैथोड ना होने का मतलब ये हुआ कि आप इसको प्लस दें इसको माइनस दें या इसको प्लस दें इसको माइनस दें, ये सेम तरीके से काम करेगा। ऐसे डिवाइसेज को हम लोग कहते हैं बाई डायरेक्शनल डिवाइस,
बाई डायरेक्शनल, जबकि बाकी अभी तक आप जितना पढ़े हैं जिसमें भी एनोड कैथोड होगा वो सब के सब यूनि डायरेक्शनल होते हैं, मतलब वो एक दिशा में ही कंडक्ट करेंगे, एनोड को प्लस कैथोड को माइनस तो ही कंडक्ट करेंगे, समझ रहे ना, उसमें धारा का प्रवाह होगा। लेकिन बाई डायरेक्शनल में आप इधर प्लस दें इधर माइनस दें, चाहे इधर प्लस इधर माइनस, धारा का प्रवाह इधर से हो जाएगा, धारा का प्रवाह इधर से हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइसेज को बाई डायरेक्शनल कहते हैं, इसीलिए इसमें एनोड कैथोड नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिखते हैं एम टी वन एम टी टू। एम टी वन का मतलब है मेन टर्मिनल वन मेन टर्मिनल टू, ठीक है, तो सिंबल याद रहेगा ना डायक का, तो ये चीज याद रखिएगा। ये चीज कंपटीशन में पूछ देते हैं सब, तो इसको कहीं आप नोट में देखो, नोट्स अपने समझदारी से आपको लगे कि सर इस चीज को नहीं कहा है कि हमें लिख लेना चाहिए, आपको लगे कि हाँ नहीं ये जरूरी है इसको नोट में कहीं डाल लिख लेना चाहिए, तो याद रखिएगा कि डायक जो है एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ठीक है, बगल में ही यहीं कहीं छोटा सा लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ये थोड़े क्या कॉपी चेक हो रहा है अपन, देखो नॉलेज बस लेना है कैसे भी करके, नॉलेज मिलेगा तो आपको हर जगह फायदा होगा, सेमेस्टर कंपटीशन जहां भी जाएंगे दिक्कत नहीं आएगी। ट्रायक का देखिए सिंबल क्या होता है, तो ट्रायक बनाने के लिए पहले डायक बना लेते हैं, ठीक है, इसका नाम जो है ये ट्रायोड अल्टरनेटिंग से ये नाम बना है, लेकिन कोई वो जरूरी फुल फॉर्म नहीं है, बस आप याद रखिएगा। अब ट्रायोड कुछ होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो ट्रायोड अल्टरनेटिंग से इसका इसका नाम है ट्रायक, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म होता है दो ऐसे लाइनें खींच के ऐसे और ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, यहाँ भी वही लिखाएगा MT1 और MT2, लेकिन इसमें एक चीज रहेगा, इसमें गेट भी होता है, तो आप कहीं से एक जगह मन करे यहाँ से, मन करे यहाँ से, इसमें गेट सिग्नल आप इसमें निकाल देंगे, देरी से कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से इसमें गेट भी होता है, याद रखिएगा, नीचे से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, किधर से भी लगा सकते हैं, तो इसमें गेट सिग्नल गेट भी टर्मिनल होता है, तो MT1 MT2 और गेट, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं ट्रायक में, ठीक है। और लास्ट है आपका RCT, देखो RCT का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इसमें फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका सिंबल कैसे बनेगा, तो इसका सिंबल बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि पहले एक SCR का सिंबल बना लेंगे, ठीक, यही तो है SCR का सिंबल, एनोड कैथोड गेट, एनोड कैथोड और गेट, और इसके पैरेलल में एक डायोड लगा देंगे, ठीक है, इसके पैरेलल में, लेकिन डायोड उल्टा, मतलब इस तरह से, अगर इधर इसका एनोड है तो डायोड का कैथोड इधर होगा, मतलब ये वाला चीज देखो, देख रहा हूँ ना, देखिए डायोड का एनोड इधर है, डायोड का कैथोड इधर है, इसलिए इसका नाम है रिवर्स कंडक्टिंग थायरिस्टर, ये रिवर्स में कंडक्ट करता है, वो सब मैं आपको आगे चल के जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये इसका सिंबल हो गया RCT का, तो सारे सिंबल तैयार हो गए ना। अब देखिए छह डिवाइसेज हैं थायरिस्टर फैमिली के अंतर्गत, देखो ये फैमिली है थायरिस्टर फैमिली, यहाँ पे जो मैं बनाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको अभी बना के दिखाया था, तो ये एक फैमिली है जिसका नाम है थायरिस्टर फैमिली, बस आप थायरिस्टर बोलेंगे, इसके अंदर SCR है, इसके अंदर LACR है, इसके अंदर GTO है, डायक है, ट्रायक है, RCT है, ठीक। तो ये आपको, आप ऐसे कॉपी पे अपने बना लीजिएगा सिंबल, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है थायरिस्टर फैमिली का, जो ये सिंबल्स वगैरह हैं ये एग्जाम में सेमेस्टर में आते हैं, और कंपटीशन में मैंने बताई दिया फुल फॉर्म वगैरह आता है, ठीक है, ये चीज़ कभी कभी पूछ देते हैं सब, सिंबल तो खैर कंपटीशन में नहीं जा रहा पूछते हैं सब, लेकिन याद रखिएगा, पूछ भी सकते हैं सब, ठीक है। इस लेक्चर का जो लास्ट हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, मतलब आप इस लेक्चर के लास्ट में अभी ये पढ़ेंगे कि जैसे आपने पढ़ा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस, फिर आपने पढ़ा उनके प्रकार तीन तरह के, फिर उनका सिंबल पढ़ा, अब आप ये पढ़ेंगे कि उनके मदद से क्या बनता है। जैसे आप सुने होंगे डायोड जो होता है एक डिवाइस है, ठीक है, लेकिन उसके मदद से क्या बनता है, रेक्टिफायर बनता है, ठीक है, तो कौन सा सर्किट उसके मदद से बनता है, तो इस हेडिंग का नाम है टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जैसे बात है पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस के मदद से जो भी चीज बनेगा उसको हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहेंगे, या इनका सबसे फेमस नाम है पावर कन्वर्टर, ठीक है, यानी इनके मदद से जो ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं जैसे पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर, इनके मदद से जो भी सर्किट बनता है उसको कहते हैं पावर कन्वर्टर, ये कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पावर कन्वर्टर कितने तरह के होते हैं, ये चार तरह के होते हैं। अब सुनो ये चारों नाम जो लिखा हुआ है ना, ये सब एक एक मतलब अलग अलग बड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जो आपको इसके बाद चैप्टर नंबर 2 या 3 मिलेगा उसमें इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है। इस टॉपिक में केवल आपको
हल्का हल्का इंट्रोडक्शन ले लेना है, ठीक है। ये नहीं कि आप उसका पूरा डिटेल अभी समझ जाएंगे, कैसे होगा क्या होगा सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि पावर कन्वर्टर कितने तरह का होता है। तो देखो पावर कन्वर्टर जाहिर सी बात है चार तरह का होता है। एक होता है एसी डीसी कन्वर्टर, एक होता है डीसी एसी कन्वर्टर, एक होता है डीसी डीसी कन्वर्टर और एक होता है एसी एसी कन्वर्टर। सबका एक अलग नाम भी है। इस वाले को कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं एसी डीसी वाले को, इस वाले को इन्वर्टर कहते हैं डीसी एसी कन्वर्टर को, इस वाले को डीसी डीसी कन्वर्टर को चॉपर कहते हैं और एसी एसी कन्वर्टर को एसी वोल्टेज कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। कंपटीशन में ये नाम याद रखिएगा किसको क्या कहते हैं, या ये दिया रहे तो ये नाम याद रखिएगा। जैसे इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये मतलब कन्वर्ट कौन सा कन्वर्टर का क्या अलग नाम है ये जरूर याद रखिएगा कंपटीशन के लिहाज से। तो ये चार तरह के कन्वर्टर होते हैं। अब बारी बारी देख लीजिए हर एक कन्वर्टर का थोड़ा थोड़ा आपको समझ लेना है क्या करता है, ठीक है। एसी डीसी माने ठीक है एसी को डीसी बनाए, डीसी एसी जो डीसी को एसी बनाए, डीसी डीसी यानी जो डीसी को डीसी बनाए, आपको अजीब लग रहा होगा डीसी को डीसी बनाने का मतलब क्या हुआ। और एक और लास्ट होगा एसी एसी जो एसी को एसी बनाए लेकिन एक कुछ अलग तरीके से बनाएगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। पहला कन्वर्टर है एसी डीसी कन्वर्टर, इसका एक और नाम क्या है, कंट्रोल रेक्टिफायर। तो देखिए ये कंट्रोलर क्या करता है कि ये अनकंट्रोल्ड एसी को कंट्रोल्ड डीसी बनाता है, याद रखिएगा अनकंट्रोल्ड एसी को कंट्रोल्ड डीसी बनाता है। इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अनकंट्रोल्ड एसी का मतलब क्या हुआ है, जैसे ये जो एसी सप्लाई हमारे घरों में आती है उसका ग्राफ ऐसे बनता है कि नहीं बताइए, ठीक है। तो ये जो एसी सप्लाई है ये अनकंट्रोल्ड एसी है, ठीक। यहाँ पे मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ ये है अनकंट्रोल्ड एसी, मतलब इस एसी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये जैसा बाहर से आ रहा है वैसा हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड एसी है। अच्छा अब अगर आप इस अनकंट्रोल्ड एसी को, मान लो कि अनकंट्रोल्ड एसी आप इस सर्किट को दे दिए तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा कंट्रोल्ड डीसी। देखो एसी डीसी कन्वर्टर है तो यहाँ तो आप अनकंट्रोल्ड वाला ही दे पाएंगे, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल वाला देंगे लेकिन जो निकलेगा वो कंट्रोल्ड डीसी होगा, ठीक। अब ये कंट्रोल्ड डीसी क्या होता है, तो देखो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपल रेक्टिफायर तो पढ़े हैं ना, जो रेक्टिफायर आप सुने हैं वो क्या करता है, वो ये करता है कि एसी को डीसी बना देता है। थोड़ा समय इसको बनाने के लिए ना ऐसे कर लिया जाता है, जब भी ऊपर वाले ग्राफ की मदद से नीचे वाला बनाना हो तो ऐसे ऐसे मार्क कर लिया जाता है तो उससे अच्छा रहता है, बनाने में सहूलियत होती है, ठीक है। तो चलो अब देखो अब यहाँ पे जैसे अगर सिंपल रेक्टिफायर हो, ये कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं सिंपल रेक्टिफायर हो तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे डीसी बना देगा ऐसे, ठीक है। फिर इसको ऐसे डीसी बना देगा अगर फुल वेव वाला हो तब, ठीक है। इसको ऐसे वेब फॉर्म देगा कि नहीं, तो ये जो वेब फॉर्म आपको मिल रहा है ये डीसी तो है लेकिन ये अनकंट्रोल्ड डीसी है, अनकंट्रोल्ड डीसी। इस डीसी को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। मतलब एसी सप्लाई है अपने आप इसके इस सप्लाई के लिए आपको पूरा यहाँ मिल गया, इस सप्लाई के लिए आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। आपके हिसाब से नहीं ये मिल रहा है, ये तो सप्लाई के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो ये अनकंट्रोल्ड डीसी है। ये किससे मिलता है, तो ये मिलता है जो आप सिंपल रेक्टिफायर या उसको आप कहिए डायोड रेक्टिफायर, तो ये डायोड रेक्टिफायर से प्राप्त होता है जो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं, ठीक है। वहाँ का सर्किट आपको याद होगा, नहीं याद है तो जब मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा तो मैं 5 मिनट में उसको भी शुरुआत में पहले बता दूंगा कि डायोड वाला रेक्टिफायर हाफ वेव फुल वेव कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन जो कंट्रोल रेक्टिफायर है, ठीक है, कंट्रोल रेक्टिफायर यानी इस चैप्टर में जो मतलब जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, देखो इस सब्जेक्ट में हमको डायोड वाला नहीं पढ़ना है, हमको SCR वाला पढ़ना है, ठीक है, थायरिस्टर वाला पढ़ना है। तो ये तो कंट्रोल सर्किट होते हैं, तो ये क्या करेगा कि अनकंट्रोल्ड एसी को कंट्रोल्ड डीसी बनाएगा, मतलब इस वाले अनकंट्रोल्ड एसी को ये कंट्रोल्ड डीसी बनाएगा। कंट्रोल डीसी का मतलब क्या हुआ कि जितना दूर आप चाहेंगे ये डीसी उतना ही दूर मिलेगा, मतलब कुछ इस टाइप से। देखो अब इसको बनाने के लिए इसको ऐसे करना पड़ेगा, आपको सब में ना थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप देके इस तरह से एक लाइन खींचना पड़ेगा। देखो इसको हम लोग फायरिंग एंगल कहते हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा कि SCR का फायरिंग एंगल होता है। हम लोग SCR को जितना एंगल पे ट्रिगर करेंगे, यानी गेट पे सिग्नल हम लोग यहाँ पे दिए, थोड़ा रुक के दिए यहाँ पे नहीं, देखो SCR क्या होता है जब गेट पे सिग्नल देंगे तो ऑन हो जाता है, ठीक। इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसे गेट पे सिग्नल दिए, तो जब हम लोग गेट पे सिग्नल देंगे सिर्फ तभी ये ऑन होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग गेट पर सिग्नल दिए, ठीक, तो उस स्थिति में ऑन होगा। मतलब आपको डीसी सप्लाई देखो कैसे मिलेगा, आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से मिलना शुरू होगा, मतलब यहाँ से मिलना शुरू होगा, यहाँ जीरो से ऐसे गया
फिर अब यहाँ से ऐसे उठा और ये नीचे आ गया, ठीक, इतना दूर फिर नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से आपको ऐसे मिला, ऐसे उठा और ऐसे नीचे आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा, यहाँ से उठा ऐसे होके ऐसे आ गया, यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा, फिर ऐसे उठा और ऐसे होके ऐसे मिलेगा। अब ये जो ग्राफ आपको मिलाना है, ये भी डी सी ही, ये भी डी सी है, लेकिन ये डी सी कंट्रोल्ड डी सी है, ठीक, ये कंट्रोल डीसी है, और ये आपको मिलेगा किस रेक्टिफायर से, तो ये मिलेगा आपको कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से। इसी कंट्रोल रेक्टिफायर को हम लोग कहते हैं एसी डीसी कन्वर्टर, जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जो सिंपल वाला कन्वर्टर होता है, डायोड वाला, डायोड रेक्टिफायर, वो तो आप एनालॉग डिवाइस में पढ़े ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया बाई कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये आपको अपने कॉपी पर, मतलब जो टाइप्स ऑफ पावर टाइम सर्किट, हमने पहला हेडिंग डाल के पहले परिभाषा सेंटेंस में लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे कि वह कन्वर्टर जो अनकंट्रोल्ड एसी को कंट्रोल्ड डीसी बनाता है उसे एसी डीसी कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में ये नाम तो लिखा ही हुआ है, और फिर ये वेब फॉर्म आपको बना दें, इसको वेब फॉर्म बोलेंगे, ये वेब फॉर्म आप बना देंगे, ठीक है, समझ में आया ना। ये भी डीसी सप्लाई है, लेकिन ये कंट्रोल्ड डीसी है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर ऐसा डीसी और ऐसा डीसी में हमको यही वाला डीसी से नहीं काम चल जाएगा। देखो अंतर है, ये जो डीसी है ना, इसका औसत मान अगर अगर 12 वोल्ट हो तो इसका औसत मान आपका 10 वोल्ट आएगा, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े दूर हर हर साइकिल में थोड़े थोड़े दूर कटिंग हो गया। तो इसमें फायदा क्या होता है ना कंट्रोल डीसी में, कि आप जब चाहेंगे इसको 10 बना लेंगे, जब चाहेंगे इसको 4 बना लेंगे, 6 बना लेंगे। तो मान लो यहाँ पे कोई ऐसा मोटर है, कोई ऐसा लोड है, कोई ऐसा लाइट है, कोई ऐसा हीटर है जिसको कभी आपको तेज करना है, कभी आपको धीमा करना है, तो ऐसे में अगर आप कंट्रोल डीसी की मदद से करेंगे तो ये काम हो जाएगा। अनकंट्रोल में थोड़ी हो पाएगा, यहाँ तो फिक्स है कि अगर सप्लाई अगर 220 वोल्ट है, यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई, 240 तो यहाँ थोड़ा और बढ़ के मिलेगा, 14 वोल्ट मिलेगा, तो आप कहाँ कंट्रोल कर पाए, सप्लाई जैसा होगा उस हिसाब से यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ आप कंट्रोल कर पाएंगे एससीआर के फायरिंग एंगल को चेंज कर करके, ठीक है। अब ये सब चीजें देखो डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि ये फायरिंग एंगल का मतलब क्या हुआ, लेकिन इतना समझो कि यहाँ पे जो डीसी सप्लाई आपको मिल रहा है वो कंट्रोल करके मिल रहा है, वहां पे आप जितना वोल्टेज चाहेंगे उतना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना कि ये कंट्रोल डीसी है। तो ये पहला कन्वर्टर हो गया आपका, तो इसको ये बना लीजिएगा, मतलब लिख के पहले इसका डिफिनीशन ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा इतना। दूसरा कौन सा है कन्वर्टर, डीसी एसी कन्वर्टर, इसी को इन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है वो डीसी को एसी बनाता है, ठीक है। मतलब जब बिजली कट जाती है तो बैटरी से डीसी मिलता है, उसी डीसी को एसी बना के देता है, ठीक है। तो डीसी एसी कन्वर्टर ये भी एक पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है। उस बॉक्स को आप खोलेंगे ना तो उसमें आपको यही सब चीज़ें एससीआर मॉसफेट ये सब चीज़ें उस इन्वर्टर के अंदर लगी होती हैं जो डीसी को एसी बना देता है। तो इसका रियल परिभाषा क्या होगा डीसी एसी कन्वर्टर का, तो देखो इधर तो अनकंट्रोल्ड रहेगा, जाहिर सी बात है, इधर देखो कोई भी चीज जो सोर्स से आएगा मैंने इनपुट जो भी होगा वो तो अनकंट्रोल्ड ही रहेगा। जैसे यहाँ पे बैटरी से मिलता है डीसी तो अनकंट्रोल्ड ही रहेगा, वो थोड़े उसको थोड़े हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अनकंट्रोल्ड डीसी इन्वर्टर को मिलता है, मैंने ये ऐसा कन्वर्टर है जो अनकंट्रोल्ड डीसी को कंट्रोल्ड एसी बनाता है। मतलब आप जितना वोल्ट एसी चाहेंगे उतना वोल्ट एसी आपको बना देगा, ठीक है। उसके लिए सर्किट रहता है, ठीक है, जो इस काम को करता है। तो इसका डिफिनेशन हो गया, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि वह पावर वह कन्वर्टर जो अनकंट्रोल्ड, या आप लिख सकते हैं वह परिपथ भी लिख सकते हैं, तो वह परिपथ या वह कन्वर्टर जो अनकंट्रोल्ड डीसी को कंट्रोल्ड एसी बनाता है उसे डीसी एसी कन्वर्टर कहते हैं। अच्छा, इसका वेब फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो देखो डीसी का वेब फॉर्म आपको पता है कि ऐसे होता है, ये डीसी का वेब फॉर्म है शुद्ध डीसी का, ठीक है। और एसी दिखाना है आपको, जैसे ये अनकंट्रोल्ड डीसी है, और एसी कैसे बनाएंगे, तो देखो अभी जरूरी नहीं है कि आप इसको एकदम साइनोसॉइडल बनाएं, आप इसको बस ऐसे बना दीजिएगा इस तरह से, ये भी एसी सप्लाई है। देखो जिसमें भी पॉजिटिव निगेटिव हो गया, पॉजिटिव निगेटिव, वो आपका यहाँ पे चलो एक बार और कर दे रहा हूँ, वो आपका एसी सप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, तो जैसे ये एसी था पॉजिटिव निगेटिव, और यहाँ पे केवल आपको पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो ये शुद्ध डीसी थोड़ी ही है, ठीक है। यहाँ भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो ये भी शुद्ध डीसी थोड़ी है, शुद्ध डीसी तो ऐसा होता है, ठीक। लेकिन इसको हम लोग डीसी कहेंगे क्योंकि इसमें केवल पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। दिशा एक समान है तो डीसी है, ये भी दिशा एक समान है, इसमें आप देखिए तो पॉजिटिव भी है निगेटिव है, तो ये एसी है, ठीक है। तो यहाँ पे अनकंट्रोल्ड डीसी जो है कंट्रोल्ड एसी बन गया। तो मतलब इसको समझाने के लिए ये आप ब्लॉक डायग्राम बना के परिभाषा लिख दीजिएगा पहले ये वाला, और फिर उसके बाद ब्लॉक डायग्राम बना के ये ग्राफ बना दीजिएगा। तो ये हो गया डीसी एसी कन्वर्टर, जिसको हमने इन्वर्टर भी कहा था। अभी ये पूरा एक चैप्टर ही है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डिटेल में सर्किट वगैरह बना के कि एससीआर की मदद से कैसे ये सब होगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो समझ में आएगा ना, ये दूसरा भी हो गया।
देखिए तीसरा है डीसी डीसी कन्वर्टर, जिसे चॉपर भी कहा जाता है। देखो ये आपको लग रहा होगा कि सर ये डीसी को डीसी में बनाने का मतलब क्या हुआ, तो देखो कई जगह ऐसा होता है कि हमें डीसी सप्लाई को बढ़ाने या घटाने की जरूरत पड़ती है। अब आपको पता है कि डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर तो काम करता नहीं है डीसी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चॉपर नाम का सर्किट होता है जिसकी सहायता से आप डीसी वोल्टेज को भी बढ़ा घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं उसका अभी मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो ये जानिए कि डीसी डीसी कन्वर्टर क्या होता है। तो वह कन्वर्टर जो अनकंट्रोल्ड डीसी को कंट्रोल्ड डीसी बनाए उसे हम लोग कहते हैं डीसी डीसी कन्वर्टर। यानी यहां तो अनकंट्रोल्ड रहेगा ही लेकिन इधर कंट्रोल्ड रहेगा, ठीक है। अब कैसे ये काम होगा, तो देखो ये अनकंट्रोल्ड डीसी है, मतलब ये बैटरी से इस टाइप का हमको मिलेगा। अब ये चॉपर क्या करेगा, मतलब डीसी डीसी कन्वर्टर क्या करेगा, देखो चॉपर का मतलब होता है जो चॉप कर दे यानी कट कर दे। तो ये क्या करेगा कि कुछ दूर इस वोल्टेज को देगा और कुछ दूर इस वोल्टेज को नहीं देगा। देखो डीसी ही रहने देगा, नीचे नहीं लाएगा, नहीं तो एसी बन जाएगा ये। तो कुछ दूर देगा, कुछ दूर नहीं देगा, फिर कुछ दूर देगा, कुछ दूर नहीं देगा, ठीक, फिर कुछ दूर देगा, नहीं देगा, फिर ऐसे देगा, ठीक है। तो इस तरह से इस वोल्टेज को कहीं कहीं चॉप करेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो इसको समझो, मान लो कि ये 12 वोल्ट का डीसी है और ये चॉपर ऐसा कर रहा है कि आधा देर, मतलब आधा देर ये ऑन रख रहा है, आधा देर ऑफ कर रहा है। तो जानते हो क्या होगा, इसका जो औसत मान आएगा ना इस वोल्टेज का, डीसी वोल्टेज का, ये डीसी है क्योंकि इसमें केवल प्लस है, ठीक। तो इसका जो औसत मान आएगा वो 6 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब कैसे ये सब आएगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मतलब अगर ये 12 वोल्ट का वोल्टेज है, आधा समय तक इसको ऑन रखो, आधा समय तक ऑफ रखो, तो आपका इसका जो औसत मान आएगा वो 6 वोल्ट आएगा। हाँ, अब एक बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इससे क्या मशीन खराब नहीं होगा हमारा, अगर इस तरह का सप्लाई हम किसी मोटर को या हीटर को या लाइट को दे दें तो क्या वो डिस्टर्ब नहीं होगा कि कुछ दूर वोल्टेज मिलेगा कुछ दूर नहीं मिलेगा। तो देखो ये इतना जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होता है ना, नैनो सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, कि उस मशीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि करंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, भले वोल्टेज कहीं खत्म होगा कहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो वोल्टेज है ये कंट्रोल्ड डीसी है, ठीक है। तो ये है कंट्रोल्ड डीसी, मतलब आप वोल्टेज को कम कर लिए यहां पे, ठीक। मतलब अगर ये 12 वोल्ट है तो आप इसको चाहेंगे 6 वोल्ट कर लिए, इसको आप चाहेंगे तो 8 वोल्ट कर लेंगे। मतलब थोड़ा ज्यादा देर तक ऑन रखो इस टाइप से, थोड़ा ज्यादा देर तक ऑन रखो, थोड़े कम ही देर तक ऑफ रखो ऐसे। तो ये 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, आप चाहेंगे तो इसको इस 12 वोल्ट को 2 वोल्ट बना लेंगे, ज़्यादा देर तक इसको ऑफ रखो ऐसे, ठीक। तो इस टाइप से चॉपर ये काम कर देता है, डीसी वोल्टेज को घटा देता है लेकिन बढ़ाता भी है, ये भी जान लेना। जैसे ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन होता है ना, उसी तरह से इसमें भी स्टेप अप चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर होता है। अब उतनी कहानी जो है जब आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा चॉपर का तब बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए बस ये आपको लिखना है या समझना है कि यह एक ऐसा परिपथ है जो अनकंट्रोल्ड डीसी को कंट्रोल डीसी बनाता है, ठीक है। और ये वेब फॉर्म आपको बना देना है, इसके अलावा अभी फिलहाल ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका चौथा एसी एसी कन्वर्टर, जिसे हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इस साइड में तो अनकंट्रोल्ड एसी होगा क्योंकि इधर जो सब बिजली आती है वही हम लोग देते हैं, तो यहाँ वो तो अनकंट्रोल्ड ही रहता है, ठीक है। उसका कंट्रोल तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो ये अनकंट्रोल्ड एसी हो गया। हाँ, ये जो सर्किट है एसी वोल्टेज कंट्रोलर का, जब इसके थ्रू इसको निकालेंगे, माने इनपुट अनकंट्रोल्ड, तो ये जो एसी देगा वो कंट्रोल्ड एसी होगा, ठीक है। तो एसी एसी मतलब एसी को एसी में बदलना, लेकिन अनकंट्रोल्ड एसी को कंट्रोल्ड एसी बनाना, ठीक है। तो ये होता है आपका एसी एसी कन्वर्टर, इसे एसी वोल्टेज कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे सर इसकी जरूरत कब पड़ती होगी, तो देखो कई जगह हमें एसी वोल्टेज को भी घटाने बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। जैसे एसी वोल्टेज को हमें, जैसे मान लो कि आप पंखा देखे हैं ना, घरों में पंखा लगा होता है, उस पंखे का रेगुलेटर लगा होता है, तो रेगुलेटर वोल्टेज को कम कर देता है जिससे पंखा धीमा हो जाता है, ठीक है। ऐसा तो आप लोग किए होंगे, लेकिन जो पुराने जमाने में रेगुलेटर होता था जो खट 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 ऐसे करता था, वो रेगुलेटर में केवल रेजिस्टेंस होता था। अभी छोटे छोटे रेगुलेटर आप देखे होंगे अपने घरों में कहीं कहीं, कि छोटे छोटे रेगुलेटर आते हैं उसमें ये सर्किट लगा होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर, वो खाली घुमाओ ऐसे धीरे 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 तो वो वोल्टेज को कम कर देता है, ठीक है। तो कैसे ऐसा हो जाता है, आखिर देता तो एसी ही है वो भी, क्योंकि पंखा तो एसी से चलता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड एसी को वो कंट्रोल्ड एसी बना देता है, ठीक है। तो कैसे वो काम करता होगा, आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसका परिभाषा ये है कि जो अनकंट्रोल्ड एसी को कंट्रोल्ड एसी बनाए, ठीक है। अब इसको
ग्राफ से आप समझा दीजिए कि ग्राफ में तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, तो ये अनकंट्रोल्ड एसी का है, मतलब ये जो सप्लाई बाहर से आती है उसका है, तो वो तो अनकंट्रोल्ड है। लेकिन अगर आप इसको दे देंगे एसी वोल्टेज कंट्रोलर को, मतलब इसके अंदर जो भी सर्किट रहेगा वो सर्किट एससीआर वगैरह की मदद से बनेगा, ठीक है, तो अगर आप उसको दे देंगे तो अब जब आप एससीआर को फायर करेंगे, मान लो कि आप यहाँ फायर किए, फिर यहाँ फायर किए, फिर यहाँ फायर किए, फिर यहाँ, मतलब इतने फायरिंग एंगल पे, जैसे आपको पता है ना यहाँ 0 से 180 डिग्री होता है, तो मान लो आप 30 डिग्री पे फायर किए, तो अगर आप एससीआर को हर बार फायर करने का मतलब गेट को सिग्नल देना, तो एससीआर को आप यहाँ पे अगर ट्रिगर कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक, हर यहाँ पे भी अब 30 डिग्री पे, समझ रहे हैं ना बात को, मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, इसको फायरिंग एंगल कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। तो इस तरह से अगर आप एससीआर को फायर कर रहे हैं तो आपको जो वेब फार्म प्राप्त होगा वो ऐसे प्राप्त होगा एसी का। देखो यहाँ से तो शुरू होगा नहीं, क्योंकि एससीआर यहाँ से यहाँ तक ऑफ ही ऑफ रहेगा, जब गेट को सिग्नल मिलेगा तभी तो ऑन होगा, ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक ऑफ रहेगा, यहाँ से ये वोल्टेज ऐसे मिलेगा आपको ऐसे, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक एससीआर फिर ऑफ रहेगा। लेकिन अब चूंकि ये एसी सप्लाई ही यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे वेवफॉर्म नीचे मिलेगा, ठीक, ये एसी की तरह, ठीक, ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक नहीं मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे नीचे ऐसे मिलेगा, बात समझ रहे ना। तो ये अनकंट्रोल्ड एसी है, देखो इसमें प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड एसी है। अभी बताओ इस वाले एसी में से आपने इतना दूर यहाँ कट कर दिया, 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 ठीक, तो ये जब आप कट कर दिए तो इसका आरएमएस मान जो होगा उससे कम नहीं होगा। अगर इसका आरएमएस मान 220 वोल्ट है तो इसका आरएमएस मान क्या 180 वोल्ट या 150 वोल्ट नहीं होगा, और वो डिपेंड करेगा इस फायरिंग एंगल पे, ठीक, अगर आप फायरिंग एंगल ज़्यादा रखेंगे तो कम ही मिलेगा। तो इस तरह से आप जब उसको घुमाते जाते हैं ना रेगुलेटर को, जब आप घुमाते जाते हैं तो वो फायरिंग एंगल चेंज होता है, ठीक, और उस फायरिंग एंगल चेंज होने से आपको अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होता है, ठीक है, और इसीलिए आपका मोटर पंखा जो है धीमा होता है, ठीक है। तो अभी मैं बहुत शॉर्टकट में इस चीज़ को बता रहा हूँ, डिटेल आपको बाद में पता चलेगा। तो ये बात आपको समझ में आया ना, तो कॉपी में आप इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, वह कन्वर्टर जो अनकंट्रोल्ड एसी को कंट्रोल्ड एसी बनाए उसे एसी वोल्टेज कंट्रोल कहते हैं, और ये फॉर्म बना दीजिएगा, ये अनकंट्रोल्ड एसी का है, ये कंट्रोल्ड एसी का है। तो ये सब पूरी बातें आपको क्लियर हो गई ना, ये एसी डीसी कन्वर्टर आपका हो ही गया, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड एसी, ये अनकंट्रोल्ड डीसी है, और ये कंट्रोल्ड डीसी है, ठीक है, ये वाला कंट्रोल्ड डीसी है, सारा प्लस में है लेकिन कंट्रोल्ड है, ठीक, क्योंकि जितना दूर आप चाह रहे हो उतना ही दूर मिल रहा है, ये हो गया। फिर मैंने आपको इन्वर्टर के बारे में बता ही दिया, ठीक है, तो ये आपका इन्वर्टर है। फिर मैंने आपको ये सर्किट बताया ना, ये आपको बता दिया चॉपर के बारे में कि ये चॉपर का ब्लॉक डायग्राम है और ये उसका वेब फॉर्म है, ठीक, अनकंट्रोल्ड डीसी को कंट्रोल डीसी बनाता है, डीसी को डीसी ही बनाता है लेकिन अनकंट्रोल्ड को कंट्रोल बनाता है। तो ये अनकंट्रोल्ड डीसी का वेब फॉर्म है जो बैटरी से मिलता है, और ये कंट्रोल डीसी का है, ठीक, और ये जो है आपका एसी एसी कन्वर्टर है, इसको एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ये भी आपका हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये एसी सप्लाई है, क्योंकि इसमें आपका यहाँ ये तो एसी सप्लाई है, ये प्लस माइनस, और ये भी आपका एसी सप्लाई ही है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग सर्किट को इस तरह से जोड़ेंगे ना, वो सब मैं जब आपको सर्किट बताऊंगा तो बताऊंगा, सर्किट को इस तरीके से जोड़ेंगे कि यहाँ नीचे वाला नीचे ही मिलेगा लेकिन कट होके मिलेगा, ठीक। यहाँ पे आप, यहाँ पे हम लोग सर्किट को इस तरह से जोड़ेंगे कि यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है वो कट होके मिलेगा लेकिन ऊपर ही मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे सर्किट ऐसा होगा कि यहाँ पे ये डीसी एसी डीसी बन जाएगा और यहाँ पे एसी एसी ही रह जाएगा लेकिन कंट्रोल्ड, और उसमें भी कंट्रोल्ड। तो ये आपका जो लेक्चर है ये इसी के साथ मैं लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम लोग लेक्चर 2 में जब मिलेंगे तो इसके आगे का चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर 1 को आप लोग अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिएगा, देखिए लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे चैटिंग इसी ऐप के थ्रू आप मुझे बता दीजिएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, तो मैं लाइव क्लास में आके उसको 10 मिनट 15 मिनट में जितना टाइम रहेगा उस प्रॉब्लम को आके सॉल्व कर दूंगा। हालांकि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको सब कुछ एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो थोड़ा सा ये जो लेक्चर था ना, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इसमें पूरे सब्जेक्ट का एक निचोड़ टाइप का ये है, तो थोड़ा सा आपको कहीं लग रहा होगा सर कि ये क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभी एक एक टॉपिक, जैसे ये पावर डायोड जो भी टॉपिक है, जब आप उसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे ना तब आपको उसका पूरा कहानी समझ में आएगा, और उसके बाद हम लोग जब वो सब सर्किट जो लास्ट में बताया हूं वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। मतलब एक फीलिंग था कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना, इस पूरे सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है।
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।